हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में यार, जो कि आप देख रहे हो। कई दिन से मैं एक प्लेलिस्ट फॉलो करो, जो कि ये बोल सकती है कंप्लीट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ये प्लेलिस्ट है, जिसमें अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, एडोबी, पेटीएम जैसे सारे कंपनी के क्वेश्चन है। अभी मैं जो करंटली कर रहा हूँ अमेजोन के ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ, डेली एक प्रॉब्लम करता हूँ। और अगर आप लोग भी चाहते हैं ये परचेस करना, ये कोर्स को देखना कि कैसे क्वेश्चन है, तो आप लोग भी परचेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया हूँ। और हाँ यार, परचेस करते टाइम मेरा जो कूपन कोड है डीबग यूज करोगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन पर लिंक। तो अगर आप लोग भी फॉलो करना चाहते हो, बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट, जाओ जल्दी से परचेस करो और मेरे साथ कंटिन्यू करो। तो चलते देखते हैं आज का क्या प्रॉब्लम पिक कर रहा हूँ मैं, उसको सॉल्व करता हूँ आप लोग को। हम अपने स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं, स्क्रीन की तरफ देखते हैं प्रॉब्लम क्या। प्रॉब्लम यह फाइंड डुप्लीकेट इन एरे। ठीक है, तो एरे में कहते क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन एन एरे ऑफ साइज एन विच कंटेन एलिमेंट फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1, यू नीड टू फाइंड ऑल द एलिमेंट अकरिंग मोर देन वंस इन अ गिवन एरे, रिटर्न द आंसर इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो एक्स्ट्रा स्पेस इज ओनली फॉर द एरे टू बी रिटर्न। ओके, सो आप क्वेश्चन क्या करें, मैं बता दे रहा हूँ यार, कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जिसकी साइज एन है, उस एरे में जो एलिमेंट है वो 0 से लेके एन माइनस 1 तक हो सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि एरे का लेंथ 5 है, तो जो एरे का नंबर होगा, रिपीटेड नंबर होगा, 1, 2, 3, 4 तक ही हो सकता है, अगर लेंथ 5 है, क्योंकि एक कम तक चल रहा है तो वही होगा। तो देखो जल्दी चलते हैं, यहाँ पे एन 4 दिया, उसका एग्जांपल देखिए 0, 3, 1, 2। ठीक है, इसमें एरे दिया, इसका रिटर्न माइनस 1 है, क्यों? क्योंकि देर इज नो रिपीटिंग एलिमेंट इन द एरे, देयरफॉर आउटपुट विल बी माइनस 1। ओके, दूसरा केस चलते हैं, यहाँ पे एन 5 है, 5 एलिमेंट है, अब 5 एलिमेंट में देख सकते हो कोई नंबर जो है ग्रेटर देन 4 से नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4 तक ही रहेगा, क्योंकि एन माइनस 1 तक चलेगा। तो 2, 3 है, यहाँ पे देख सकते हो 2 जो है 2 टाइम है, 3 जो है 2 टाइम्स, तो जो यहाँ पे रिपीटेड एलिमेंट जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो उसने बता दिया, अगर नहीं है तो ये करना। तो यार सबसे हमारे माइंड में सबसे पहला अप्रोच जो आ रहा है यार, वो जो सबसे पहले अप्रोच की तरफ चलते हैं, वो है यार कि क्या फ़ायदा, जैसे क्या करते हैं कि हम अगर एक अपने यहाँ पे आते हैं, हमारे पास ये एरे दिया है, अब इसमें क्या कर लें, हम लोग काउंट मेटर कर लें। काउंट जैसे सपोज करो कि क्या करें, यहाँ पे 1 आया काउंट कर लें, 2 आया उसको काउंट कर लें, फिर काउंट कर लें, फिर देखा 1 है, फिर अगेन काउंट को इंक्रीज कर दें, फिर देखा 1 है, फिर काउंट को इंक्रीज कर दें, फिर देखा 3 है, तो काउंट को अब काउंट यहाँ भी कर ले। ठीक है, तो काउंट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, इस केस में काउंट करोगे, फिर लास्ट में क्या करोगे, चेक करोगे जो मेरा काउंट है, अगर 1 से जितने काउंट बड़े हैं, ठीक है, इस केस में 1 है, ठीक है, तो जितने काउंट बड़े होंगे, अब देखो 1 के लिए बड़े होंगे बस, है ना, तो जितने काउंट बड़े होंगे, जिसके लिए जितने काउंट बड़े होंगे वो आउटपुट प्रिंट करा देंगे, रिटर्न करा देंगे वो काउंट। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो यार हमें 2 लूप की ज़रूरत पड़ेगी, एक मतलब 2 लूप लगाएंगे, तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 2 बार लूप चलाएंगे हम लोग। ठीक है, चेक करने के लिए काउंट को, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर चले जाएगा। ठीक है, ओ ऑफ एन स्क्वायर चले जाएगी, और हाँ, और उसके बाद तो अगर बेटर वे में चले तो हम लोग क्या करें कि फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, समझ रहे हो, फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो क्या करते हैं, एक नया एरे बनाते हैं। ठीक है, उस एरे में बनाते हैं, एरे में सबसे पहले जितना बड़ा लेंथ है उतना में 0 स्टोर कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलो 5 का लेंथ है, 0 स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस एरे में ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्या है, अब फ्रिक्वेंसी कैसे स्टोर करेंगे, जैसे पहले हैं तो 1 इंडेक्स पे जाएंगे, 1 इंडेक्स पे क्या है मेरा 0 है, तो इसको मतलब क्या कर देंगे, अपडेट करके 1 कर देंगे। चलो अब फिर क्या है, 2 इंडेक्स पे जाएंगे, 0, 1, 2 पे जाएंगे, फिर इसको अपडेट कर देंगे 1, फिर क्या है 1 इंडेक्स पे जाएंगे, फिर अगेन 1 आ गया तो 1 इंडेक्स पे जाएंगे, फिर इसको इंक्रीमेंट करके एक अगर बढ़ा देते हैं, फिर जाए फिर 1 पे क्या करते हैं, फिर 3 कर देते हैं। चलो फिर 3 आया, 0, 1, 2, 3 पे इसको 1 कर देंगे। अब इस केस में क्या चेक करेंगे कि जिसकी फ्रिक्वेंसी है ना, जिसकी फ्रिक्वेंसी मेरी बड़ा है किससे, 1 से, सकते ये वाली इंडेक्स की फ्रिक्वेंसी 1 से ज़्यादा, तो क्या होगा, ये वाली इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न क्या कर देंगे, मेरा रिटर्न जो कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इंडेक्स पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो चलो 1 मेरा रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इस वे में भी कर सकते हैं, है ना, तो एक ये भी। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहले में 2 लूप लगा के हम लोग चेक कर रहे थे, क्योंकि पूरे एरे के ट्रेवर्स कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ओ ऑफ एन लग गई है। ठीक है, और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यार एक हमने एक्स्ट्रा एरे बनाया, तो यहाँ पे भी एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लग जाएगी। ठीक है, तो यार इससे बेटर भी कुछ हो सकता है, देखते हैं कि, तो ये तो हमें लगता नहीं सफिशियंट है। ठीक है, तो कोई और तरीके से करते हैं। ठीक है, कोई और तरीके से करते हैं, तो यार इसको क्यों ना हम एक लूप चलाएं, मतलब उसमें भी इस कॉम्प्लेक्सिटी का जो फ्रिक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, इसी कॉम्प्लेक्सिटी में एक इंप्लीमेंट करके आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलो हम अपने आइडली की तरफ चलते हैं, और उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सेट ले लेते हैं, मतलब एक जैसे यहाँ पे एक एरे बना रहे थे फ्रिक्वेंसी का, तो अगर हम देखें उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे एक सेट ले लेते हैं। ठीक है, उस सेट में एलिमेंट को ऐड करेंगे। ठीक है,
कौन से एलिमेंट को ऐड करेंगे, उस एलिमेंट को ऐड करेंगे जो एलिमेंट मेरा इसके साथ में हो, मतलब जो एलिमेंट आई और आई प्लस वन से जिसका मैच करेगा वो एलिमेंट को सेट में डाल देंगे। ठीक है, अभी मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो एक इंप्लीमेंट कर दे, तो चलो यहाँ पे एक सेट बना दिया मैंने, एक लिख दिया डुप्ली करके, डुप्ली में जिसमें ये डुप्लीकेट रिमूव करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब फॉर आई इन रेंज ऑफ वन से लेके एन तक स्टार्ट करते, चलो वन से, क्योंकि हम एक पीछे तक चेक करते हैं। ठीक है, अब इफ़ कर देते हैं, क्या करेंगे कि हाँ यार देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एरो को सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, उससे मेरे, क्योंकि पहले हमें सॉर्ट करना होगा, सॉर्ट करके ही चीज़ें चेक कर सकेंगे। ठीक है, चलो हम एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एरे को हम लोग क्या कर लेते हैं कि सॉर्ट करने की ज़रूरत है, हाँ अगर एरे को हम लोग पहले ही सॉर्ट कर लें। ठीक है, एरे को सॉर्ट कर ले तो सॉर्टेड इसमें डाल देते हैं क्या, एरे। अब इस एरे को चेक करेंगे कि इफ़ जो मेरा न्यू सॉर्ट एरे है, ठीक है, एरे ऑफ आई, ठीक है, अगर इक्वल टू मेरा न्यू सॉर्ट का जो आई माइनस वन हुआ, ठीक है, इसका मतलब कि आई क्या है, वन वाली इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वन वाली थ्री, अगर हम इसको सॉर्ट कर दें, सॉर्ट करने के बाद मुझे कैसा मिलेगा हम दिखा दे, देख सकते हैं यहाँ पर सॉर्ट करेंगे तो एरे कुछ मिलेगा वन कॉमा टू कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा थ्री। ठीक है, चलो ऐसा मिल गया। अब हम क्या करें, हम लोग बस ऐसे ये दोनों चेक करेंगे, फिर ठीक है ये दोनों चेक करेंगे, फिर ये दोनों चेक करेंगे, फिर ये दोनों ऐसा करके चेक करेंगे। ठीक है, चलो चलो, तो हम क्या कहें, यहाँ पे वन और टू देखा इक्वल है, नहीं इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल होता तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते, किस में, डुप्ली में ऐड कर देते हैं क्या, उस आई को, किस आई को, न्यू वाला जो मेरा एरे है ना, उस आई को यहाँ पे ऐड कर देते, बस इतना ही करते हैं। ठीक है, सोचो इस केस में यहाँ पे ऐड कर दिया, वन और टू सिमिलर नहीं है, नहीं ऐड किया, यहाँ पे देखा ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे सेट क्यों लिया, यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं हम लोग। यार देखो, अगर हम लिस्ट लेते हैं, लेकिन सोचो अगर यहाँ पे टू अगर एक और आता तो वो क्या करता कि इससे मैच किया, नहीं मैच किया, ये मैच किया, हाँ मैच करा, तो एक यहाँ पे डाल देता टू, चलो टू मिल गया। फिर अब क्या करेगा, ये टू फिर इससे मैच करेगा, फिर देखेगा, फिर यहाँ मैच हो रहा है, फिर एक और टू डाल देता। लेकिन हमें ऐसा रिपीटेड नहीं चाहिए, हमें बस जो मतलब एक ही बार जो रिपीट हो वो चाहिए, मतलब रिपीटेड कई सारे हो, तो इसलिए हमने इसका सेट निकाला कि रिमूव कर दें, इसलिए हमने यहाँ पे सेट लिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया सेट लिया, तो बस यहाँ पे ये करना, उसके बाद क्या चाहिए, यहाँ पे बस लास्ट में चेक कर लेंगे इफ़ जो है मेरा। अब उसके बाद हम लेंथ निकाल लेते हैं, क्या करने के लिए, जो लेंथ किसका, टुपली का, इसका लेंथ निकाल लेते हैं। अगर मेरा इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो बस रिटर्न कर दे क्या, माइनस वन। ठीक है, अदरवाइज क्या मेरा रिटर्न कर दे। अब देखो एरे में जो है मेरा सब कुछ चला गया, रिटर्न क्या कर दे मेरा लिस्ट। ठीक है, सॉर्टेड, एक बार और सॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एरे इधर उधर हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद टूप, बस यही करेंगे। अब इसको देखते हैं, रन करता है कि नहीं। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे अभी कितना लगा क्या लगा, ये तो सफिशियंट अप्रोच नहीं है, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं परफेक्टली ये रन कर गया, एक्सेप्टेड भी हो गया। लेकिन अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यार हम लोग ट्रैवर्स करें तो ओ ऑफ एन लगी भी, उसके बाद यार हम लोग एक सेट यूज़ करें, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ भी लग रही है, उसके बाद दो बार सॉर्ट कर रहे हैं, एक यहाँ सॉर्ट करें एक यहाँ सॉर्ट करें, तो समझ सकते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लग गई। ठीक है, तो और चलते दूसरी तरफ इसको और बेटर वे में सोचते हैं। ठीक है, हम एक बेस्ट केस में चलते हैं, बेस्ट केस में एक मैथमेटिकली वैसे करते हैं। मैथमेटिकली वैसे में कैसे करेंगे, हम सबसे पहले यार एरे का इंडेक्स निकाल लेते हैं। इंडेक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, इंडेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मॉड ऑफ एन करना होगा। ठीक है, मॉड ऑफ एन करते हैं इंडेक्स निकालने के लिए। सबसे पहले कौन से इंडेक्स पे आते हैं, सबसे पहले चलो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ऐसे कि जिसमें हम स्टोर कर लेते हैं, आप लोगों को समझने के लिए, जीरो स्टोर नहीं करेंगे, मतलब दिखाने के लिए, क्योंकि इसको अपडेट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो हमारे पास एक अपडेट है, तो एन करेंगे सबसे पहले कौन सा है, टू वाले पे, टू का इंडेक्स निकालेंगे मॉड एन करके। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई। ठीक है, एरे ऑफ आई क्या कर देंगे, मॉडुलो कर देंगे। ठीक है, अब एरे ऑफ आई में मॉडुलो कर दिया, अब मेरा जो मॉडुलो आया, ठीक है, जो मॉडुलो आ जाएगा उस मॉडुलो पे, इसको सपोजो कि ये टी वाले वेरिएबल में स्टोर है, कहाँ गया यार, सोचो ये टी इज इक्वल टू ये स्टोर है, तो जो मेरा ये मिला, ठीक है, जो टी मिला उसको क्या करेंगे हम लोग, एरे का टी में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे क्या, एन, बस इतना ही करेंगे। ठीक है, चलो एरे ऑफ आई कितना है, एरे ऑफ आई कितना है, टू है। ठीक है, टू है, टू मॉडुलो एन करेंगे, एन कितना है मेरा, एन ऑलरेडी फाइव है, लेंथ है। ठीक है, तो टू और फाइव टू ही रहेगा, एरे की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू जो मेरी आ गई वो कितनी आ गई, टू आ गई। ठीक है, चलो टू आ गई, ठीक है, टू आ गई। अब टू, अब एरे ऑफ टू पे एन ऐड कर देंगे, एरे ऑफ टू कितना है, एरे ऑफ टू जीरो वन टू, यहाँ पे
क्या ऐड कर देंगे, प्लस फाइव, ठीक है प्लस फाइव ऐड कर देंगे। तो हमारे पास पहले कितनी थी, वन थी, ऐड करके क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस फाइव ऐड करने कितनी हो जाएगी, वन और प्लस फाइव एक सिक्स हो जाएगी। चलो ठीक है यहीं पे ऐड कर दो मत तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। चलो सिक्स हो गई ठीक है। अब सेम प्रोसेस आ जाते हैं नेक्स्ट एरे पे, थ्री पे ठीक है। एरे ऑफ थ्री यहाँ पे हो गया, एरे ऑफ थ्री, थ्री कितना हुआ एरे ऑफ, इस पे आते हैं ठीक है, आई की वैल्यू वन हुई ठीक है। एरे ऑफ थ्री जी थ्री पे आते हैं तो ज़ीरो वन टू थ्री कितना है, टू है ठीक है। हाँ ठीक है अपडेट कर दिया ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एरे की वैल्यू कितनी, एरे की वैल्यू वन हुई ठीक है। अब वन पे आते हैं, एरे ऑफ वन कितना है, थ्री है ठीक है। अब थ्री आती है, अब थ्री पे मॉडुलो करेंगे, थ्री मॉडुलो एंड कितना होगा, थ्री ही हुआ, चलो थ्री हुआ। अब टी ऑफ थ्री, एरे ऑफ थ्री की वैल्यू जीरो वन टू थ्री में कितना ऐड कर दो, एन, एन कितना है फाइव, प्लस टू सेवन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं ठीक है। आई की वैल्यू कितनी हुई, टू हुई। अब आई की वैल्यू टू हुई तो एरे ऑफ टू कितना है, जीरो वन टू सिक्स है, सिक्स मॉडुलो एन करेंगे, एन कितना है फाइव, सिक्स मॉडुलो एन करेंगे तो एन कितना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ, सिक्स, सिक्स हो गया ठीक है। हाँ सिक्स मॉडुलो फाइव, फाइव कितना हुआ मेरा, सिक्स मॉडुलो फाइव कितना हुआ, वन आएगा ठीक है, वन आ गया। तो सिक्स मॉडुलो फाइव वन आया ठीक है, चलो वन आया ठीक है, वन आया। अब टी वन प्लस एन, टी वन कितना है मेरा, थ्री है, वन में कितना ऐड कर दो, एन, फाइव प्लस थ्री एट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, थ्री की तरफ आते हैं ठीक है, थ्री की तरफ आते हैं, कितना अभी सेवन है, ज़ीरो वन टू थ्री। अब आई एफ सेवन हो जाएगा यहाँ पे, एरे एफ सेवन, एरे एफ, अरे एरे एफ थ्री, एरे एफ थ्री कितना है, ज़ीरो वन टू थ्री सेवन है, सेवन मॉडुलो टू कितना, टू हुआ, टू हुआ, टू हुआ, टू एरे एफ टू में ज़ीरो वन टू कितना ऐड कर दो, सिक्स वाले प्लस एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, फाइव ऐड करोगे इलेवन हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, कितना थ्री पे आते हैं मतलब नेक्स्ट इंडेक्स पे, इस पे ये वाली इसका टर्म आ गया तो एरे एफ फोर हो गया। तो एरे एफ यहाँ पे कितना, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, थ्री हो जाएगी ठीक है फोर पे। तो थ्री मॉडुलो एन करोगे तो कितना होगा, थ्री मॉडुलो एन थ्री ही रहेगा ठीक है। चलो ये थ्री हुआ। अब टी एरे एफ थ्री कितना है, ज़ीरो वन टू थ्री सेवन है। अब सेवन में कितना ऐड कर दो, फाइव ऐड कर दो, एन, एन कितना होगा, ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है। चलो ये मिल गया हमारे पास नया एरे, ये मिल गया। अब हम ठीक है एन से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे जो हमारा मिला कितना से बड़ा हो और इक्वल हो टू से ठीक है, वही एलिमेंट होगा हमारे पास, जो टू से बड़ा और इक्वल हो वही एरे होगा ठीक है। अब इस केस में आया, इस केस में टू डिवाइडेड बाई फाइव करोगे तो जीरो आ जाएगा ठीक है। एट डिवाइडेड बाई फाइव करोगे तो कितना आएगा, एट डिवाइडेड बाई, हमने देखो डबल इक्वल टू लिया मतलब फ्लोटिंग वैल्यू नहीं लेंगे डायरेक्ट वैल्यू लेंगे, तो एट डिवाइडेड बाई फाइव करोगे तो वन आएगा। इलेवन डिवाइडेड बाई करोगे तो टू पॉइंट समथिंग आएगा ठीक है, एक ये केस हो जाएगा। अब ट्वेल्व डिवाइडेड बाई समथिंग और टू पॉइंट समथिंग आएगा बस, तो हमें दो एलिमेंट मिले ठीक है। अब यही दोनों का इंडेक्स स्टोर कर लेना है बस और कुछ नहीं। इसका क्या स्टोर करेंगे, इसका इंडेक्स वाली वैल्यू ठीक है। तो देखो इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोग को ठीक है। तो आ जाते हैं अपने एडली पे, इसको हटाते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं वो प्रॉब्लम को ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक लूप चला देते हैं फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से होगी, जीरो से एन तक जाएगी ठीक है। और एक इंडेक्स स्टोर करने के लिए क्या रख लेते हैं, इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स में क्या करेंगे, एरे ऑफ आई जो कि हम सबसे पहले क्या निकाले थे, मॉडुलो निकाले थे ठीक है। चलो मॉडुलो एन लिख लेते हैं ठीक है, मॉडुलो एन कर दिया। अब एन करने के बाद क्या कर, जो मेरा मॉडुलो आए, मॉडुलो इंडेक्स जो आए वो ऐड कर दो उसमें क्या, इक्वल टू एन ठीक है, एन ऐड कर दो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज जीरो से एन तक जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेवल्स करेंगे और एक बार चेक करेंगे इफ मेरा एरे ऑफ आई जो है उसका अगर मॉड, अरे डिवाइड बाई एन करेंगे, अगर देखा मैंने इक्वल है किससे, टू से ठीक है, तो क्या कर दे, एल डॉट ए डबल पी ई एन डी अपेंड कर दे किसमें, एक एरे हैश मैप की ज़रूरत पड़ेगी यार ठीक है। हैश मैप मतलब लिस्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, जो कि एल बना देते हैं। ये क्यों पड़ेगी यार, क्योंकि यार हमें एक कंडीशन चेक करनी है इस क्वेश्चन के लिए माइनस वन वाली, तो यहाँ बस वही कंडीशन चेक कर लेंगे। इफ़ जो मेरा नॉट एल, अगर मेरा एल जो है वो एम्प्टी हुआ ठीक है, तब मेरा हम लोग को क्या रिटर्न करना है, माइनस वन ठीक है। अदरवाइज क्या रिटर्न करना है, एन, बस यार यही करना है। अब इसको रन कराते देखते हैं कि चलता है कि नहीं।
इसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं ज़्यादा, मतलब स्पेशली ये बहुत ही बेटर सोल्यूशन है इसका, है ना, देख सकते हैं चल रहा है, और इस सबमिट करते सबमिट हो जाएगा, तो देख सकते हैं सक्सेसफुल सबमिट हो गया। बाकी यार कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे जाकर मेरे को फॉलो कर लीजिए, कोई भी डाउट हो यहाँ भी पूछ सकते हैं मेरे को। बाकी मिलेंगे ठीक है कल नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।